देखिए कितना प्लीसेंट सा वेदर हो रहा है, एकदम फॉग फॉग हो रहा है पूरा ऊपर तक। भाई ये वेस्ट बंगाल से है ये हेलो भी। व्हाट्सअप गाइस, वीडियो जब एडिटिंग करके बनता है ना, आप लोग देखते हैं तब इजी लगता है, लेकिन बनाने में जितना कठिनाई बाधा आता है ना, ऐसे बारिश में टेंट लगा के कहीं पे रात गुजारना। और गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यार अभी जिन्होंने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा उन्हें पता है कि मैं गैंगटॉक के लिए निकल गया था टीमी से। और कल यार गैंगटॉक से लगभग 10 किलोमीटर पीछे की तरफ मैं पहुँच पाया था। जैसा कि आपने अगर देखा हो मेरा ब्लॉग, तो मैं सुभाष दाई के साथ ट्रेवल कर रहा था सिंगटम से। तो सुभाष दाई ने यार मतलब 10 किलोमीटर पहले गैंगटोक से हमको छोड़ दिया यहाँ पे। और वो मतलब वो जो दाई के साथ हम आए थे, तो उन्होंने हमको स्पेस भी बता दी थी कि अभी आप जाइए मत, क्योंकि वहाँ पे गैंगटोक में काफ़ी बारिश हो रही है। और हालांकि हम यहाँ पहुँचे तो बारिश देखने को मिली हमको। ये जगह जो है रानी पुल करके है, तो ये 10 किलोमीटर पहले है गैंगटोक के। तो उन्होंने हमको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ये एक मतलब जो मार्बल्स का फैक्ट्री वो रहता है ना, मार्बल्स का फैक्ट्री रहता है जो कारखाना है वो है ये यहाँ पे। तो उन्होंने हमको जगह बताई कि आप यहाँ पे रहिए, यहाँ पे टेंट पिंच करके रहिए, आज बारिश ज़्यादा हो रही है, तो आज कल आप गैंगटॉक को निकलना। तो यार इस तरफ की जगह है ये, और काफ़ी हेल्पफुल थे यार सुभाष दाई को थैंक यू। अगर आप सुभाष दाई मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो आपने मतलब रहने की जगह बताई, और मतलब खाना पीना भी रात को हो गया था इधर ही, बढ़िया बढ़िया स्टे हो गया था यार। और कुछ ऐसी जगह, ये देखिए काफ़ी बड़ा कारखाना का ऐसी है, दो तीन है इस टाइप के। ये देखिए मार्बल्स का है, ये टाइल्स वगैरह जो यूज़ करते हैं ना। तो ये अपना इस तरफ से अपन टेंट पिंच कर लिया था यार, काफ़ी जगह थी और पूरा शेड था, मतलब ये पूरा बंद था ये यहाँ से, तो हवा वगैरह नहीं आई थी, बढ़िया अच्छा काम हो गया था। क्योंकि यहाँ बारिश भी हो रही थी, ठंडक थी बाहर की तरफ। और ये कुछ ऐसा देखिए काफ़ी मतलब अच्छा है। और चलो बाहर से कुछ नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको। वो बारिश तो गाइस कल शाम से हो रही है, 8-9 बजे से कंटिन्यू। देखिए कितना प्लीसेंट सा वेदर हो रहा है, एकदम फॉग फॉग हो रहा है पूरा ऊपर तक। अच्छा और कुछ ये इस टाइप से है यार, ये देखिए बारिश तो रुकी नहीं रही है गाइस यहाँ पे। ये और कुछ ऐसी जगह है यार गाइस, ये अच्छा खासा मतलब काफ़ी जगह है यहाँ पे यार, बहुत बड़ा गोडाउन है। ये पीछे भी एक गोडाउन है जिसमें हम थे, एक साइड में भी गोडाउन है, इस तरफ भी गोडाउन है, काफ़ी सारे गोडाउन है यार। और कुछ ऐसा प्रमाइसेस है यहाँ पे। और ये इस तरफ मेन गेट है, मेन रोड है, यहाँ से गैंगटॉक को रास्ता जाएगा। और इस तरफ भी यार मतलब काफ़ी अच्छा बड़ा प्रमाइसेस था यार ये। तो चलो भाई लोगों से मिलाता हूँ यहाँ पे, जो दो तीन भाई लोग थे उन्हीं के साथ थे हम। ये पे खाना वगैरह कल खाया था। ये अपने भाई है, ये वेस्ट बंगाल से है ये हेलो भी। व्हाट्सअप गाइस, ये भी हमारे साथ मतलब यहीं पे थे, और दो लोग और थे यहाँ पे, दो भाई लोग, एक वो भी वेस्ट बंगाल से है, और एक दाई यहीं गैंगटोक से है। तो यार यहीं थे यार कल, और देखते हैं बारिश का क्या होता है आज। चलो दाई से भी मिलाता हूँ मैं आपको। ये दाई है, हेलो राई भी हैं गैंगटोक। अपना जो सिंगटम से चले थे ना, सिंगटम के आसपास है माखा वहीं। हाँ माखा 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 से ये सिंगटम के आसपास गाइस, ये पड़ते ही जगह छोटी प्लेस है, वहाँ से राई। तो यार सब लोग साथ में ही थे हम लोग, और एक और भाई है वेस्ट बंगाल से। वो बारिश रुकेगी और चलेंगे यार फिर गैंगटोक की तरफ, अपना सफ़र जारी रखेंगे। और एक ही भैया थे यार, भैया ये भी अपने वेस्ट बंगाल से है, और ये भी साथ में ही थे यार, मतलब चार पांच लोग हम यहीं पे थे, बढ़िया मस्त। तो गाइस यहाँ पे अभी एक जो भाई से मैंने मिलवाया था, उनका भी यूट्यूब चैनल है, तो उनसे भी मिलवाता हूँ यार, और उनको भी सपोर्ट करना यार। मतलब उनका भी नया चैनल है अभी, तो वो भी ग्रो करे यार, तो सपोर्ट की ज़रूरत रहती है स्टार्टिंग में सभी को। तो भाई से मिलवाता हूँ जिनका यूट्यूब चैनल है, जो दो तीन भाई लोगों से मिला था, तो उनमें से एक है ये भाई है। भाई कहाँ से आप? हेलो गाइस, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। अच्छा अभी तो सिक्किम में हूँ, काम का सिलसिले में आया हूँ इधर, मतलब फार्मा कंपनी में काम के लिए आया हूँ, ITI करके। तो मैंने ना सोचा कि डेली ब्लॉग करूँ, ठीक है,
तो मैं डेली ब्लॉग करता हूँ, सुबह से शाम तक क्या क्या करता हूँ वही वीडियो डालता हूँ। और सिक्किम तो आप लोगों को पता है, ब्यूटी ऑफ नेचर, अच्छा अच्छा जगह है, मैं वही दिखाने का कोशिश करता हूँ। आप, मैं इधर रहता हूँ, अभी काम करता हूँ, अभी पीछे का व्यू आप देख सकते हैं, हर जगह इधर ब्यूटी ब्यूटी है। तो कोशिश करता हूँ यही सब ब्लॉग बनाने के लिए, तो सपोर्ट कीजिए, भाई को भी सपोर्ट कीजिए, भाई तो एडवेंचर टाइप ब्लॉग बनाते हैं, टेंट वगैरह सब है, बहुत कुछ एसेड है, लेकिन मैं सिर्फ कैमरे लेके ही बनाता हूँ ब्लॉग। तो भाई को आप सपोर्ट कीजिए। भाई का नाम क्या है? अंशुमन प्रधान। अंशुमन प्रधान। और चैनल का नाम? चैनल का नाम है रॉकेट सिंह ब्लॉग। अच्छा। RockSingBlog। अच्छा, तो भाई का नाम है अंशुमन प्रधान और इनके चैनल का नाम है रॉकेट सिंह ब्लॉग। तो यार सपोर्ट करो यार भाई को, और मतलब ये भी ग्रो करे, और मेरे को भी कर दो यार थोड़ा सा। सब्सक्राइब कर लो, जो लोग नए हैं जो जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लो यार। अच्छी अच्छी सीरीज़ आती रहेगी, और अभी मेरा इंडिया का सीरीज़ चल रहा है, आप लोग अगर देखेंगे तो। और इंडिया का मे भी 2-3 वीडियो आएगा यार, उसके बाद अपन निकल जाएंगे उधर यूपी बॉर्डर से नेपाल, तो फिर नेपाल घूमेंगे, नेपाल के बाद फिर अपन इंडिया आएंगे। तो अभी यार नेपाल सीरीज़ देखना बाकी है, तो जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। सब्सक्राइब लाइक तो बनता है, क्योंकि देखिए वीडियो जब एडिटिंग करके बनता है ना, आप लोग देखते हैं तब इजी लगता है, लेकिन बनाने में जितना कठिनाई बाधा आता है ना, ऐसे बारिश में टेंट लगा के कहीं पे रात गुजारना, और भूखा पैदल कर करके ब्लॉग बनाना, बहुत तकलीफ होता है, लेकिन ऑडियंस जो देखता है आराम से देख लेता है, उनको लगता है कि ये तो इजी है, तो कोई नहीं, ऐसे होता है। तो आप लोग सिर्फ सपोर्ट कीजिए और कुछ नहीं, सिर्फ प्यार दीजिए और कुछ नहीं। चलो भाई लोग, हम यहाँ भी आए थे यार, और भाई लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया, मतलब ये भी थे और दूसरे भाई लोग भी थे, तो यहीं खाया पिया यार और यहीं सोए थे, मस्त इंजॉय किया। तो यहाँ से चलेंगे यार अब, है ना, फिर अपडेट करता हूँ आपको आगे का जो भी होता है। Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch.